दोस्तों, तो आपको मैं पहले ही गुजारिश करना चाहूँगा यार, इस वीडियो को मत छोड़ना, पूरी देखना और प्लीज़ देखना, क्योंकि मैं पहले ही बोलने वाला हूँ, क्योंकि आप छोड़ सकते हो इस वीडियो को, क्योंकि ये जो वीडियो है थोड़ा मतलब सैड है, पर लेकिन यार मतलब कोई ऐसा भी कर सकता है, मतलब मुझे पता नहीं था, पर लेकिन यार बहुत गलत हो रहा है हिमाचल में भी। मतलब मैंने सोचा नहीं था यार, मतलब मैंने सुनी थी, न्यूज़ सुनी थी मुंबई में होता है, यहाँ होता है, मतलब दिल्ली में होता है, मतलब और बड़ी बड़ी सिटीज़ में होता है इतने जो क्राइम्स होते हैं, पर लेकिन यार मतलब जब जो हिमाचल में होता है ना, तो ऐसा लगता है कि यार भाई कुछ गलत हो गया। मतलब अभी मुझे अपने आप में इतना अजीब सा लग रहा है कि मैं क्या ही बोलूं, पर अब क्या ही करें, तो ये तो हो चुका है। पर लेकिन तो सबसे पहले आप वीडियो देख लो, उसके बाद बताओ कि आपको क्या फील हो रहा है, और फिर मैं भी बताता हूँ आपको इसका क्या रहस्य है, जो हुआ है रियल में क्या हुआ है। तो आप वीडियो देख लो पहले, तो वीडियो आपने वीडियो देख ही लिया होगा। तो मतलब वीडियो देखने के बाद यार मतलब अंदर बहुत गुस्सा आता है सबसे पहली तो बात, और फिर ऐसा लगता है कि यार मतलब वो ऐसा काम क्यों हुआ होगा, किस लिए हुआ होगा, और ये मतलब माँ ने किया होगा या उसके पति ने या उसके घर वालों ने उससे करवाया है, या ऐसी क्या प्रॉब्लम रही होगी जो उसने ये कदम उठाया, उसकी माँ ने, जो वो बच्चे मिले हैं। तो आप अब शॉक हो जाओगे अगर आप सुनोगे कि ये किसने किया है ये काम जो हुआ है। तो ये जो काम हुआ है यार, मतलब पहली तो बात है यार, मतलब काम किसी ने भी किया हो, पर यार इंसानियत और शर्म एक चीज़ होती है यार, जो कि हिमाचल में भी ख़त्म हो रही है। अब दिल्ली में, मुंबई में मैंने बहुत सारे केस देखे यार, मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब हर दिन न्यूज़पेपर पे दिल्ली, मुंबई, हरियाणा वगैरह यहाँ पे ऐसा होता ही रहता है, मतलब रेगुलर है। पर यार जब जो हिमाचल में होता है तो यार मतलब एक क्या ही बोले, मतलब अंदर से मतलब दुख होता है यार, मतलब ऐसी जगह पे भी, मतलब देवभूमि, हिमाचल, मंडी, यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है। पर यार ये जो मैं बताना चाहता हूँ, ये जो शिशु मिले हैं, दो नवजात शिशु मिले हैं, सिक्योरिटी पुल के नीचे मिले हैं, वो उसकी, वो जो उनकी माँ है, वो उन्होंने ही फेंके हैं। पर लेकिन क्यों फेंके होंगे आप बताओ? वो माँ जो थी वो अपने जो प्रेमी था, मतलब वो पता नहीं अपने पति के साथ खुश नहीं रहती थी, तो उसने उसको किसी से प्यार हो गया था, तो वो उसके साथ भाग गई थी। तो मतलब इतने टाइम बाद फिर वो भाग चुकी थी, तो मतलब उसको, उसने सोचा मैं अब खुश रहूँगी उसके साथ, जिसके साथ मैं भागी हूँ, या ऐसा है वैसा है, पर वैसा कुछ नहीं हुआ। जिसके साथ वो भागी थी, जो उसका प्रेमी था, उसने भी उसको डराया, धमकाया, मारा, पीटा, पता नहीं क्या हुआ, तो वो उसके साथ नहीं रह पाई। तो फिर वो वापिस आना चाहती थी, पर वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी और उसके पेट में दो बच्चे थे, वो भी वो जुड़वा थे, पर गिरवाए नहीं है मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि उन बच्चों को कपड़े पहनाए गए थे। पर केस भी सॉल्व हो चुका है, वो जो बच्चे हैं उसकी माँ ने ही फेंके हैं, और ऐसी माएँ पता नहीं कहाँ से आती हैं यार। हमने तो माएँ सुनी हैं कि उनमें ममताएँ होती हैं, मतलब प्यार होता है बहुत सारा यार, बहुत सारा प्यार होता है, मतलब क्या ही बोलें यार, ममता इतनी भर के रहती है। तो यार ऐसा करोगे यार, माँ ऐसा करेंगे तो बच्चे क्या करेंगे यार, बच्चों को क्या शिक्षा मिलेगी यार इससे। वो भी अपने आप लड़की है यार,
जो उसने मतलब गर्ल चाइल्ड के तहत यार उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए यार। गर्ल चाइल्ड ऊपर से यार उसने क्राइम किया है, उसको जेल में तो डालो ही और ऊपर से चार्जेस लगाओ अच्छे वाले, मतलब बहुत अच्छे वाले। और यार वीडियो को शेयर करो यार प्लीज़, और ये वीडियो हर एक आदमी तक पहुंचना चाहिए और आवाज़ उठाओ यार, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और ऐसे क्राइम यार और नहीं होने चाहिए हिमाचल में, इसलिए इस वीडियो को फैलाओ और प्लीज़ जागरूक हो जाओ, इंसानियत को बढ़ावा दो। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, कमेंट, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करो, अच्छे से करो यार, मतलब अगर बुरी लगी है उसमें भी कमेंट कर लो कोई ना, पर लेकिन एक व्यू मुझे मिल जाएगा मैंने कैसा बोला है, और ये तो मेरा काम है बोलना। सो सब्सक्राइब कर देना, मैं ऐसी वीडियो लाता रहूँगा, और लाइक शेयर कमेंट करते रहो और सपोर्ट करते रहो। एंड ओके बाय, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू।